हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जब ये शेयर इतने ऊपर था, मतलब अभी रिसेंटली जब इसने हाई लगाया था, तब लोग क्या बोल रहे थे, अभी यहाँ पे खरीदूँ क्या? जब 384 380 के आसपास था, तब लोगों को खरीदना था ये शेयर। और अब जब नीचे आ गया 332, तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक भी कमेंट नहीं दिख रहा कि जो बोलेगा इसमें एंट्री कब लेनी है, अब लेनी है क्या? जब ये ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की तरफ, तब सब भागेंगे और ऊपर के लेवल पे फंसेंगे। अभी इसमें चांस आ गया है। मेरे हिसाब से इसमें अगर मैंने नहीं लिया होता, मेरे पास ये दोनों शेयर है आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पर अगर मेरे पास नहीं होते तो मैं ये लेवल पे जरूर इनको ऐड करता। जो आप चार्ट देख रहे हो वो है केपीआईटी टेक का। केपीआईटी टेक बहुत सही गिरा है, इसमें ये लेवल पे एंट्री बिल्कुल होनी चाहिए। धीरे धीरे ये यहाँ तक गिर सकता है, 316 तक भी आ सकता है। अगर मार्केट वीक रहा तो मार्केट के वीकनेस में ये शेयर 316 तक भी आ सकता है। अगर 316 आ गया तो मैं इसमें और एवरेज करूँगा, पर अभी फिलहाल जिसको न्यू एंट्री लेनी है वो यहाँ पे ले सकता है एक शेयर। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न इसका, और अभी तक चार्ट पैटर्न खराब नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन में मिल रहा है, तो ले लो इसको। 9,000 करोड़ की कंपनी है, और ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी से जितना लंबा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट केपीआईटी टेक में मिलेगा। तो केपीआईटी टेक होगा हमारा पहला शेयर जिसमें अभी भी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। इसका छोटा सा सपोर्ट 325 पे है, और उसके बाद जो ये सपोर्ट है ये तो टूटना नहीं चाहिए। 316 के आसपास जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा वो 316 अभी टूटेगा नहीं। तो इसके जितना आसपास आपको ये शेयर मिले उतना ऐड करते रहो। तो ये रहा पहला शेयर केपीआईटी टेक। अब देखेंगे दूसरा शेयर। आपने कुछ दिनों से देखा मैक्स हॉस्पिटल, सॉरी अपना अपोलो हॉस्पिटल जिस हिसाब से चल रहा है, मैक्स हेल्थ केयर अभी गिर गया है नीचे। इसने भी ब्रेकआउट दिया था, 355 के आसपास हाई लगाया था इसने कुछ, उसके बाद ये गिरा था 354 इसने हाई लगाया था, और उसके बाद अभी ये 329 पे क्लोज हुआ है। तो मैक्स हेल्थ केयर भी एक ऐसा शेयर है जिसमें हर गिरावट में आपको लेना चाहिए। और अभी ये जो गिरा है 326 तक आया था, 329 पे इसकी क्लोजिंग है, तो ये शेयर के लिए सपोर्ट बन गया अभी 316 का। 316 का इसमें सपोर्ट है, और इसमें भी 316 का ही सपोर्ट बन के आ रहा है। मैक्स हेल्थ केयर में भी 316 का ही सपोर्ट है, आप देख सकते हो। तो इसमें भी अगर इसके आसपास आपको मिलता है तो जरूर ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये भी शेयर देख सकते हो आप, चार्ट पैटर्न क्या बढ़िया चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में, अपवर्ड चैनल में शेयर ट्रेड कर रहा है, और इसमें भी पोजिशन क्रिएट की जा सकती है ये लेवल पे। 30,000 करोड़ की कंपनी, सॉरी 32,000 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी काफी महंगा 226 का पी हो चुका है, पर ये जो इसमें कार्यरत है हेल्थ केयर में, वो कंपनी अब जैसे चल रही है मैक्स हेल्थ केयर भी उसी के तरह रिटर्न देगी जैसे अपोलो हॉस्पिटल दे रहा है अभी। तो ये सेकेंड स्टॉक जिसे आप ऐड कर सकते हो। मुझे अगर चांस मिला तो मैं इसमें और ऐड करूंगा, अगर दोनों 316 के आसपास आते हैं तो। ये रहा सिंपल एनालिसिस। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।